हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार प्रणाम। आप सभी को, आप सब कैसे हैं दोस्तों? आसान है, पूरा विश्वास होगा मस्त होंगे आप दोस्तों। आज हम आए थे भाई की शादी में, जो कि पूरा कार्यक्रम हो चुका है। हम यहाँ से निकल रहे हैं, भाई हमको आए थे छोड़ने के लिए यहाँ तक। देखिए छोड़ रहे हैं, बैग सब कुछ लिए हैं हम, और हमको भाई नाश्ता भी दे दिया सब कुछ। इतना प्यार मिला यहाँ पे ना, मुझ क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा सब कुछ। दोस्त आप लोग इसी तरह से प्यार दुलार देते रहिए आप लोग भी। और भाई मेरा कुछ कहना चाहते हैं आप लोग से, तो मेरे ऑडियंस आप कुछ बोलिए। नमस्कार, मेरे दोस्त आए थे, इतना ही हमारा बहुत, इतना खुशी है कि मैं बुलाया आ गए। मैं इतना खुश हूँ कि अब खुशी है मत। और दूसरा बात कि इतना दूर से रेणुकूट से आए हैं एक बुलाने पर, बेचारा रात भर जाग कर फोन करके कि जागे रहिएगा, मैं फ़ोन उठा उठा कर बेचारे को मैं बोला ठीक है यहाँ से ऐसे आइए, आ गया मैं बहुत इसलिए खुश हूँ। और दूसरी बात कि अभी मेरा शादी का सब कुछ पूजा पाठ बाकी है, नहीं तो हम इनको जाने नहीं देता फिर भी यहाँ तक आ गए। मगर इनका भी शादी में दोस्त को जाना है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इनको जाने नहीं देता। ठीक है दोस्तों, मेरे भी घर पे शादी है इसलिए मैं जा रहा हूँ, और भाई का शादी ब्याह सब कुछ निपटा के जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, मैं निकलता हूँ। ठीक है, चलिए रास्ते में मिलते हैं, जो भी आगे होगा मैं दिखाता रहूँगा आप लोग को। ठीक है हेलो दोस्तों, अभी क्या है कि मैं बस में बैठ चुका हूँ, बस में भी हूँ, मुझे जाना है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से हम लोग जाएंगे जो कि गाड़ी पकड़ के अपने यहाँ। देखिए दोस्त, अभी बस में भी ज़्यादा काफ़ी भीड़ तो नहीं है, बट क्या है कि थोड़ा बहुत तो है ही है। और क्या है कि मेरी बस रुकी हुई है, देखते हैं कब निकलती खुलती है। तो वहाँ से भी हमको दूसरा बस लेना है, बस लेकर के कहीं जाना है। ठीक है, चलिए मैं दूसरे बस में भी जाकर दिखाता हूँ आप लोग को। बहुत बहुत गर्मी है, विक्रमगंज में है, विक्रमगंज अभी मैं हूँ। अब देख पा रहे होंगे कि दोस्तों में है कि हूँ मैं, जो कि अभी यहाँ दूसरा हूँ, दूसरा बस बस लेने के लिए कि गाड़ी और देखते हैं कहाँ से मिलते हैं। कि बोल रहे हैं कि टूरिस्ट बस है जो कि है नवीन, आप देख पा रहे होंगे नवीन बस है, इसमें मुझे बैठते हैं इसमें जाएंगे। क्या है कि देख पा रहे होंगे, देखिए अभी चौराहे पे हूँ, अब यहाँ से मुझे दूसरा गाड़ी लेना है, अब चलता हूँ उसमें देखता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ क्योंकि बहुत तेज भूख भी लगा है। कुछ देखता हूँ, कुछ ले लेता हूँ, फल वल कुछ खा के निकलता हूँ। यहाँ पर देखिए फल वल भी लगाए हैं भैया, फल वल भी ले लेता हूँ, कुछ खा के निकलूँगा दोस्त। हेलो दोस्तों, वो गाड़ी नहीं गई, अब दूसरी गाड़ी है मेरी, तो दूसरी गाड़ी पर हम चढ़ेंगे, दूसरे पर चलेंगे। देखिए दोस्त, ये जो आपकी गाड़ी है आप देख पा रहे होंगे, ये है जो कि निलचल बस है, इसी पे हम बैठेंगे, इसी पे हम जाएंगे क्योंकि बेहरी के लिए जा रहे हैं। यहाँ से गाड़ी नहीं, वो नहीं जा रही थी, वो जा रही थी उधर से दूसरे साइड में। दोस्त इसी पे बैठेंगे, अभी इसी पे जाएंगे हम। तो वीडियो में आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहेगा, मैं सारा चीज़ आपको अपडेट देता रहूँगा दोस्तों, बताता रहूँगा। और चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को इस तरह से नए नए अपडेट मिलते रहे दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो भी है ये सारा चीज़, और बिहार का नंबर आप देख पा रहे होंगे, बिहार का ये है, बिहार BR24। ठीक है दोस्तों, इसी पे हम बैठ रहे हैं, चलते हैं। ठीक दोस्त, आइए दोस्त देखा जाए। दोस्तों मैं यहीं पे बैठता हूँ क्योंकि विंडो सीट है, विंडो सीट पे सही रहता है मुझे। ठीक दोस्त, देख पा रहे हैं मैं बैठ चुका हूँ अपनी सीट पे, क्योंकि यहाँ पे है। ठीक, और आप लोग देखिए ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। मैं बाइक को यहाँ पर ले लिया हूँ और बाइक नीचे ही रखना पड़ेगा, देखता हूँ। ठीक है, कुछ भी देखो। हेलो दोस्तों, अब देख पा रहे होंगे बस यहाँ से निकल चुकी है और हम लोग बैठे हैं अच्छे से, अब निकलते हैं आगे के लिए। आगे तो जो भी सीन होता है तो दोस्तों आप लोग दिखाता रहूँगा मैं, आप लोग देखते रहिएगा और आगे देखते हैं क्या क्या होता है आगे। बहुत जाम है, देख रहे हैं दोस्त, आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ जाम लग चुकी है, गाड़ी रुकी हुई है अभी, अब कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है, गाड़ी बहुत लेट कर रही है। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और कुछ गाड़ी उड़ी भी नहीं जा रही है अभी। देख पा रहे होंगे दोस्तों आप कितना भीड़ लगा हुआ है, शायद एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे और इसी वजह से गाड़ी जाम लगी हुई थी। अभी देख रहे हैं खुली हुई है गाड़ी, सब जा रही हैं और यहाँ पे भी देखिए शायद कुछ हुआ जरूर था, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हुआ था एक्सीडेंट।
हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि सासाराम के बस स्टैंड है ये। देखिए कितना बहुत ज़्यादा बसें लगी हुई है, और जो कि हम लोग के लिए की बस है, दिखा देता हूँ। हम लोग जो मेरी बस है, मेरी बस ये रहा, देखिए सामने खड़ी है, इसी से अभी हम लोग जाएंगे सासाराम में आके खड़ी है। ठीक है, सासाराम में है अभी, अब यहाँ से निकलेगी, देखते हैं कब निकलती है। अभी तो लगेज वगैरह सब लादा हुआ है, लगेज खाली हो रहा है, हो जाए तो फिर देखते हैं। और देखिए इधर का कुछ बहुत सारे बसें लगी हुई है। देखिए अभी बस स्टैंड पे हैं, जो सासाराम के बस स्टैंड है। देखिए यहाँ पे सब लोड हो रहा है। लोअर सीरीज पर बस है, और देखिए यार है। ठीक है, दोस्त क्या है, कभी बस से उतर गए हैं, अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे। अब देखते हैं यहाँ से कितना दूर है, फिर तो लोकेशन में ट्रैक नहीं किया हूँ, क्योंकि अभी देख पा रहा हूँ पैदल चल रहा हूँ मैं। देखिए यहीं पैदल चल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि दूर कितना है ये भी समझ नहीं आ रहा है। अब लोकेशन ट्रैक तो मैंने किया नहीं, कोई बता रहा है, तो यहाँ से तो 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए अच्छा दुकानें सब लगी हुई हैं, इधर से उधर सब हैं, दुकानें अच्छी अच्छी भी हैं। भाई मैं दिखाता हूँ, रेलवे स्टेशन पहुँच लेता हूँ तो। ठीक है दोस्त, दोस्तों क्या है कि हम लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं यार, देख पा रहे हैं हम कि तो यहाँ से कुछ दूर दिखा रहा है, यहाँ से राइट दिखा रहा है, 280 मीटर दिखा रहा है। यहाँ से जाएंगे देखो, फिर लेफ्ट जाएंगे, देखते हैं किधर है। यही लोकेशन तो दिखा रहा है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। दोस्त देख पा रहे होंगे हम जो लोकेशन ट्रैक कर किए हैं, वहाँ पे दिखा रहा है 40 मीटर, 40 मीटर दूर दिखा रहा है। अब यहाँ से हमको लेफ्ट लेना होगा, लेफ्ट लेता हूँ मैं, देखता हूँ किधर है। यहाँ से मेन रोड दिखा दिया, मेन रोड से पकड़ मैं जाता हूँ, इधर देखिए टर्न दे दिया इधर, मैं इधर जाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं ले लिया अब यहाँ से टर्न, अब यहाँ से जा दिखा रहा है उधर, उसको साइड में पे रेलवे स्टेशन ही है उनका दोस्त। दोस्त जो है कि हमें हम मेन रोड पे आ चुके हैं, जो लोकेशन दिखा रहा है लोकेशन इसी रूट में दिखा रहा है। और देखिए मैं मेन रोड में आ चुका हूँ, जो रोड है रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन यहाँ से कुछ ही साइड में है, तो दिखाता हूँ चल के आप लोग को। देखिए किधर है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यही देखिए रेलवे स्टेशन है, मैं यहाँ से चलता हुआ यही रहा। तो उस दिन भी हम यही सवारी पकड़े थे, ये है। ठीक है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, देखिए जो कि रेलवे स्टेशन है, देखिए। दोस्त मैं रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ, अब देखता हूँ अब किधर से जाना है मुझे। अब देख पा रहे होंगे ये देखिए रेलवे स्टेशन है। ठीक है यहाँ से जो हमको टिकट काउंटर पे जाना है, टिकट काउंटर पे चलता हूँ, टिकट विकट लेता हूँ, उसके बाद फिर मुझे निकलना होगा। गाड़ी तो है मेरा 11 बजे रात में। ठीक है तब तक इधर ही मैं कुछ देखता हूँ कि कितने नंबर प्लेटफार्म पर है, मैं देखता हूँ उसका निकलेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए मैं आ चुका हूँ अभी, और अब चलना है उधर रेलवे स्टेशन पर। चलिए टिकट ले लेते हैं, गाड़ी में बैठ के मिलते हैं दोस्त। हेलो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं स्टेशन पे, अब हम देखते हैं गाड़ी कितने बजे है, गाड़ी फिर मिल जाती है फिर निकलते हैं। क्या है कि काफ़ी समय लग जाएगा, 11 बजे आएगी ट्रेन अपनी। देख पा रहे होंगे प्लेटफार्म नंबर यहाँ से 4-5 इधर है, तो मेरी गाड़ी 5 पे आएगी, मैं चला प्लेटफार्म नंबर 5 पे।
देख पा रहे हैं 5 प्लेटफार्म नंबर इधर है, इधर हम लोग के टर्न लेना है और यहाँ से नीचे चलना है अपने को। स्टेशन पे देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्त। देखते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, इसी भीड़ में अपने को अब अपनी वाली जो ट्रेन आती है उसमें देखते हैं कितना भीड़ रहता है फिर क्या रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये देखिए देखिए दोस्तों जो ट्रेन जा रही है इसी से गाड़ी से भी जो रांची बनारस वही है, रांची बनारस वाली एक्सप्रेस उसी में अभी बहुत भीड़ है। चलिए अब तो आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए क्या होता है। हेलो दोस्तों, अभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, जो कि मेरे साथ एक आदमी था वो बहुत ज़्यादा चोर था, जो कि मेरे बार बार हाथ पकड़ रहा था और क्या कर रहा था कि हाथ पकड़ रहा था, जब हम हाथ डाला था ऐसे ऐसे कर रहा था, बोला चलो चलो हम तुम्हारे साथ रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा इसी से बोला था। इसकी वजह से मैं वहाँ से परेशान होकर भाग गया उसके साथ छोड़ करके। अब लोग मैं आइए दिखाता हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ उसी के पास, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी दूसरे लड़के का साथ पसंद पकड़ लिया है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। देखिए दोस्तों वो जो जा रहा है, दो आदमी जा रहे हैं उधर, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये दो आदमी जो है ब्लैक कलर का बैग लिया है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था दोस्त, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए वो दो आदमी जा रहे हैं, व्हाइट कलर का शर्ट पहना, ब्लैक कलर का पैंट, ब्लैक कलर का बैग लिया है, देखिए उसका हाथ पकड़ लिया, साथ पकड़ लिया है। दिखाता हूँ मैं आप लोग को जूम करके। देखिए उधर चला गया, आगे बहुत आगे चला गया, देखिए अब उसका हाथ साथ पकड़ लिया है दोस्त, अब उसको परेशान कर रहा है क्योंकि हमको देख, हम तो वहाँ से गए नहीं, हमको बहुत इंतजार कर रहा है। देखिए अभी वो देखिए वहाँ पे अकेले है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, मैं तो कब जूम आउट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यही यही है जो बैग लेकर जा रहा है वही है। मुझे बहुत डर लग रहा था दोस्त, अभी क्या करूँ मैं, अब आगे ट्रेन में क्या होगा। अभी टिकट लेने जा रहे थे तो बोला टिकट मत लो, टिकट बिना टिकट के जाओ, लेकिन मैं टिकट ले लूँगा अभी, ठीक है टिकट ले कर भी जाऊँगा। अरे पहले टाइम पूछा हमसे, टाइम पूछने के बाद दोस्त क्या है, पहले हमसे टाइम पूछा, ठीक है टाइम पूछने के बाद पूछ रहा कहाँ जाओगे इसी से, तो मैं भी सही से बता दिया। और इसके बाद बताने के बाद क्या किया कि बोला चलो हम भी चलेंगे वहाँ तक, चलो हमको फंसाने चक्कर में था अभी, क्या करूँ मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। बार बार जब हम वहाँ डाल रहा है मोबाइल देख रहा था, मोबाइल पकड़ ही कर रहा है, टाइम पूछ रहा था और कुछ कर रहा था, क्या कर कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है तो फिर क्या कहा, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है दोस्त। अभी देखिए कुधर गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, उधर चला गया, वहाँ पर जा रहा है, दिखाता हूँ आप लोग। हेलो दोस्तों, ट्रेन आ चुकी है, फिर क्या है कि हम लोग बैठे हैं, सीट तो मिली नहीं है, इसे नॉर्मली बैठे हुए हैं। और क्या है देखिए पूरा सीट का भारी है, जनरल है, बट क्या है जनरल में लोग सोख सो के आ रहे हैं, बैठने की जगह ही नहीं मिल रहा है, तब ऐसे है। देखते हैं कहीं से व्यवस्था करके बैठते हैं। और हम लोग तो आ चुके हैं, देखिए स्टेशन पर ही हैं, बैठते हैं थोड़ी देर गए, चलिए सीट पर चलते हैं। देखिए सब लोग बैठे नहीं सब सो रहे हैं। सब लोग सो रहे हैं, इधर यही हाल देख पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, हम लोग आग जगह हैं। देखिए दोस्तों ये अपने यहाँ रेणु पुलिस स्टेशन पे आ चुके हैं, तो देखिए आप चलता हूँ बस स्टैंड, तो दिखाता हूँ मैं आप लोग को। देखिए दोस्तों आ गया है, चलता हूँ उधर। दोस्तों बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि रात का सफ़र
देखिए दोस्तों गाड़ी कितना लगी हुई है, जो जाने के लिए अपने अपने सब जगह ले जाने के लिए लगी हुई है गाड़ी। और अगर हम चल रहे हैं तो हम लोग जाएंगे बस स्टैंड से गाड़ी लेंगे, तब जाके घर से लेंगे। ठीक है तो देखिए चलिए बस स्टैंड चलते मिलते हैं। देखिए दोस्तों अभी क्या है कि बस स्टैंड पहुंच चुके हैं हम लोग, जो रेलवे स्टेशन के बगल में ही है बस स्टैंड अपना रेणुकूट का है। तो अभी दोस्तों हैं, देखते हैं कि गाड़ी कौन सी जाती है, अभी कुछ समझ नहीं आता है कौन आ रहा है कौन। दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं अब घर पहुंच जाता हूं फिर आपको दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों चलिए तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग को।